गुड़गुड़ कर दो जरा ये। बुजुर्ग बारा काका बुजुर्ग बारा यूट्यूब देखते हैं? हाँ। हैं? हाँ। मेरी वीडियो देखते हैं? हाँ। हैं? हाँ। कौन सी देखी थी? हाँ। कौन सारी? बहुत सारी। अभी पापा और ताऊ जी यहाँ पे रोटी बना रहे हैं और मैं भी बना सकता था, पापा के साथ हेल्प कर सकता था, पर अभी मैं जरा एडिटिंग कर रहा हूँ इसलिए अभी पापा और ताऊ जी रोटी बना रहे हैं। और सब्जी क्या बना रखी है? लौकी की। लौकी की सब्जी है। किसने बनाई सब्जी? ताऊ जी ने। अच्छा ताऊ जी ने बनाई। आज देखते हैं ताऊ जी ने कैसी सब्जी बना रखी है। दादी कहाँ है? अरे कैसे लग रहा है फिर खुले खुले में? अच्छा लग रहा। मजा आ रहा? तो फिर भी अंदर ही था। तो मैं तो एडिटिंग कर रहा था ना, अंदर ही रहना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी मैं बाहर इसलिए आया था क्योंकि दादी ने बोला कि बाघ घुरनुच। कहाँ है फिर वो? ताऊ जी कब से लगा हुआ है बाघ यहाँ पे? अरे घूमते रहते होंगे वो तो। अब आदमी तो रहे नहीं तो वही तो रहेंगे। सुअर है, बाघ है। तो जैसे कि बताया था आज बन रहा है लौकी की सब्जी, रोटी और ये खुंदड़े की सब्जी जो सुबह दादी ने दिखाया था ना ब्लॉग में, वही है, उसी की सब्जी है। तो अभी खाते हैं इसे और फिर बताते हैं कैसा हो रहा है। भैया देखो सबका लग गया यहाँ पे खाना। दादी उधर खा रही है वहाँ कोने में बैठ के अपनी सीट पे और हम अब खाते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, मैं यूट्यूब चैनल सवाल माँ। अभी सो के उठाऊ मैं और एकदम से मुझे नाश्ता पकड़ा दिया कि फटाफट खाओ, निकलना है गुरुद्वार के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर तो वेट कर लो, थोड़ा नज़ारे देखते हैं, इतना प्यारा मौसम हो रखा है। बट नहीं, पापा को तो जल्दी जाना है, जबकि कोई जल्दी नहीं है अभी घर पहुंचने की। बट तभी भी नहीं निकलो, 7 बजे उठा दिया मुझे, अभी 8 बज रहा है और कह रहे हैं कि 9 बजे से पहले निकलना है। तो ये पीछे आप देख रहे होंगे हमारे खेत हैं और ये पीछे देखो ये गौशाला, ये पीछे गाय भी है। तो अभी पापा का मन करा है, खेत में कुछ पेड़ है पापा दिखाना चाहते हैं, तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या दिखाना चाहते हैं पापा। ये बेडू का पेड़ है और ये पहले बहुत बड़ा पेड़ था, मतलब हम लोगों ने बहुत खाए हैं, पता नहीं कितने साल से, जब से हम हैं मतलब उससे पहले से ये पेड़। और अब बीच बीच में से जैसे इसकी डाल टूट गई तो, लेकिन फिर भी इतना अच्छा है। और इसमें देख कितने सारे लगे हुए पेड़, तब जब पक जाते तो नीले काले हो जाते हैं, तब उस समय खाते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। एक ये किनगोड़ा। किनगोड़ा? हाँ किनगोड़ा बोलते हैं ना, इनको खाते हैं ये। अच्छा इनके फल है नहीं? अच्छा ये इनको खाते हैं ये। तो ये मतलब फूल लगे हुए इनमें अभी फल आ जाएंगे। तो ये वाला पेड़ दिखाने लाए थे पापा स्पेशली, हम नीचे आए थे इसी के लिए। क्या है ये बाबा बताना? ये तिमले का पेड़ है, तिमलू। इसकी सब्जी चटनी पता नहीं क्या क्या चीज़ बनाते हैं लोग, और बताते हैं कि यही अंजीर भी है, पर मेरे को नहीं लगता ये अंजीर है। अंजीर तो बहुत महंगा मिलता है ना। हाँ हाँ, ड्राई फ्रूट से भी महंगा होता है ये काजू बादाम से। तो ये यहाँ तो आराम से मिल जाता है, कोई कितना ले जाए। अब देखिए जैसे कुछ भी चीज़ खा लेती है चिड़िया उड़िया। हाँ तो चिड़िया ने खा रखा ना। तो ये अंदर इसका ऐसे होता है, इसके अंदर ना बारीक बारीक वो भी होते हैं कुछ जीव जंतु टाइप के, वो इसके अंदर वो बनाते हैं शहद टाइप का, पता नहीं क्या है वो बनाते हैं। अब पक जाते हैं तब ये पीले पीले, ये लाल टाइप के पीले वैसे हो जाते हैं, जैसे लाल नहीं। हाँ लाल भी हैं, हरे भी हैं। हरे तो कच्चा है ना, लेकिन जब पक जाएगा तो लाल हो जाएगा। इसके अंदर नहीं ये ऐसे निकला रहता है, ये जैम टाइप का लग रहा। हाँ जैम टाइप का। अब इसको यूं करके करा, इसके अंदर देख कितना सारा वो है, तो इसको खा लेते हैं फिर। किसको खाना है, बीच वाले को या पूरे को? सारे भी खा सकते हैं पर बीच का खाएंगे क्योंकि धोने रखा ना। नहीं खाओ खाओ खा ले। मैं चक तो लगी कैसे हो रहा, मैं कह रहा पहले तो हम लोग खाते थे ना जब, तो इतनी चिड़िया नहीं खाते थे, तो अब देख सारे खा रखे चिड़िया उन्हें। ये तिमला इतना बढ़िया होता है, इसके मतलब वो भी बनते हैं। एक तो इसके जो पत्ते होते हैं ये पूजा वूजा में या घर के किसी काम में, जैसे कि पत्तल बना दिया, अगर आपके पास पत्तल नहीं है तो इसी के पत्तल बनाते हैं। दोने बना दो गाय को खिलाने के लिए, गाय का जो निकलाते सुबह सुबह पिंडा। हाँ हाँ, तो उसमें भी यूज होता है ये, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये बड़ी सी लंबी ये कद्दू की बेलें हैं, उधर वो जो पेड़ की जड़ में है लौकी की बेल है, और ये नीचे की तरफ है ये है उसकी ककड़ी की, वो भी ककड़ी है वहाँ पे। तो मतलब सब्जियाँ तो ठीक ठाक है यहाँ पे, तो फिर क्यों बोलते हैं कि सब्जियाँ नहीं है? बंदर कर देता है ना बंदर। पर ये देखो यहाँ पे सेब का पेड़ भी है, ये लगे अंगूर भी लगे, लगे अंगूर। ये अंगूर की बेल है। अच्छा अंगूर का भी है ये, अंगूर गुच्छा दिख नहीं रहा यहाँ पे, देखो अंगूर का गुच्छा भी है दिख रहा होगा आपको, ये रहा ये, अभी तो पूरा हरा हो रखा है ये। तो अभी पहले बढ़िया करके पके गए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मिट
मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की वैसे ही बैठोगे आप सुबह सुबह चाय पीने? काली चाय तो मैंने अपने आप बनाई सुबह। अच्छा, आज कितने बजे खुली नींद? सवा चार बजे बैठी। नहीं, बैठ गई तो अलग है ना। हाँ। नींद कितने बजे खुली? हाँ तो नींद खुली है, बस बैठी मैं। कोटदार में तो आपको एक एक दो दो बजे खुल जाती थी ना, तो आज देर में भी तो सोए। हाँ ये भी। अरे यहाँ ठंडे में भी ना घूमने लाई क्या, बैठ बैठ के ये भी करा, ये भी करा। हाँ रोज ही करते हो? हाँ नहीं वहाँ तो करते हो ना। नहीं भी खूब करा। और अभी मैं आपको रूम दिखाऊंगा जिसमें मैं सोया था, बिल्कुल बढ़िया कंबल लेके, रजाई ठंडा हो रखा था। वो ही रजाई कंबल ये बात। हाँ, तो वो बोलेंगे कि अभी रजाई ओढ़ रहे हैं इतनी गर्मी में। हाँ मतलब ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट तो वो ओढ़ के सोया था और इतना बढ़िया मौसम हो रखा था। और अभी भी आप देख सकते हो पूरा, देखो हल्का हल्का कोहरा हो रखा है। एक तो ठंडा इसलिए भी हुआ ना क्योंकि बारिश आ गई थी, दो तीन दिन से बारिश हो रही है। अब मैं तो ठंडे रहता हूं 12 बजे ना 2 बजे तक भीतर हूं गरम छत नहीं सोचा ना। हां सच्ची एक बात। तो देखो यहाँ सोया था मैं बढ़िया करके, यहाँ पे ब्लैंकेट लेके एकदम, इतना ठंडा ठंडा हो रहा था पूरी रात। पर तभी पापा ने सुबह सुबह जल्दी उठा लिया। क्यों तो जाना नहीं था क्या आपको ऑफिस? कितने बजे जाना है? चाहे जब भी जाना हो। कितने बजे जाना है? कोई जल्दी नहीं जाने की, तभी भी 7 बजे उठा दिया। कोई जल्दी नहीं जाने की, तभी भी 7 बजे उठा दिया। तो करना क्या है, कोटदा जाके इतना बढ़िया नजारा है यहाँ पे, जरा मजा लो। अरे तो 2 बजे जाना है ड्यूटी, 2 भी नहीं 2:30 जाना है शायद। दो से नहीं हो गई? अच्छी बात है। कहाँ पे आएगी? ठीक है टेक केयर कर दे जरा। तो रुक तो पहले पैर तो छू रहे तो। अच्छा हाँ, अभी दही से ब्लॉग की एंडिंग कराया था, मतलब ब्लॉग अभी एंड नहीं हो रहा है, बट तभी भी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल देन बाय बाय टेक केयर टेक केयर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम मैं कब आऊंगा गाँव। अब एक दिन तो फोन में भी नंबर नहीं डाला, पर तू कर दे लो। मैं कर दूंगा, तू कर लेना। हाई फाइव कर दो, हाई फाइव। आप आ रहे ऊपर? मैं कह रहा कुछ जरा इंटरनेट का कुछ करो जरा यहाँ पे। क्या करना है क्योंकि जब इंटरनेट बढ़िया हो जाएगा ना यहाँ, महीने में 15 दिन में ही आऊंगा फिर। अच्छा वीडियो बनाने, सबको मजा आता है ना की वीडियो देखने में। पर वही है यहाँ इंटरनेट ही नहीं है, तो फिर मैं ब्लॉग अपलोड कैसे करूंगा? और फिर मुझे यहाँ से द्वारिकाल जाना पड़ेगा ब्लॉग अपलोड करने। अभी मैं 80 किलो का हूँ, मैं 40 किलो का जाऊंगा फिर ऐसे, अगर मैं रोज द्वारिकाल जाता रहूंगा ब्लॉग अपलोड करने। तो ठीक है, बाय बाय बाय, टेक केयर। हमको जवान ठीक है दादी, प्रणाम भाई, प्रणाम। एक कल भी ऐसे खड़ा हुआ था, आदरंगा सुबह तनी नंगी नहीं खेंच वो तनी आ बाद में देखेगा ना फिर बड़े होके कैसे नंगा खड़ा हुआ था मैं। आप खुजे हुआ ये खंडे अब जो हम बता फिर हम मोर तो लेते था। कर लेंगे कर लेंगे, अभी तो टाइम है, तब आप रहोगे टेंशन मत लो। कुछ में कुछ पता नहीं। हाँ ये भी है। चिल्लर पाटे मेरे ब्लॉग देते है ना। हाँ। है? लास्ट में दादी क्या बोलती है ब्लॉग में याद है? हाँ। क्या बोलती है? नहीं देखता है, नहीं देखता। अच्छा अपना नाम बता दो। मयंक। मयंक ही है? मयंक साहिल। आपको क्या है? एक और गए कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पता ही नहीं, मम्मी से पूछना पड़ रहा है, मम्मी से पूछना पड़ रहा है। अच्छा स्कूल जाने का मन कर रहा है? नहीं है।
और वहाँ जाने का मन कर रहा है, शहर जाने का मन कर रहा है या यहीं गांव में रहना है? शहर जाने मन कर रहा है। ये करा दे सरे अम्मा से खुश भगवान ने का खूब दिया ना कि हमार 10 दिन का ना पड़ा है। बाय जी प्रणाम। बाय 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 फिर आना आसवाब पार्टी ठीक है आपा। अरे हाँ बकरा है तो बकरा है तो सिंह नहीं ऊपर क्या नाम जो दशरथ लड़का मम्मी ये ले बाल ये सिंह पकड़ी के कहाँ से लाया हुआ बकरा खा लिया खेत से नीचे। अच्छा तो बाघ ने मारा हुआ है। तो अभी हम ऊपर जा रहे थे मेन रोड की तरफ तो मुझे एकदम से याद आया गाड़ी चलाने से क्योंकि मेरे को ड्राइव करना था तो मुझे याद आया कि अरे चश्मा तो लाया नहीं चश्मा तो भूल गया नहीं जी। तो देखो आज एक चीज़ भूल गया हूँ मैं जो जल्दीबाजी वाली चीज़ हो रही थी उसमें मैं एक चीज़ भूल चुका हूँ अपने चश्मा। तो अब नीचे कॉल करके मंगाया ऊपर वो आ रहा है। अच्छा हम रोड पर नहीं पहुँचे थे वो देखो वो चिल्लर पार्टी आ रही है मेरे चश्मा देने के लिए और सारे के सारे आ रहे हो 3-4 ऐसे नहीं कि एक ही आ रहे देने। वो देखो कहाँ भाग रहा हो। तो हम रोड तक पहुँच चुके हैं और ये देखो ताऊ जी यहाँ स्कूटी रखते हैं अपनी और फिर यहीं से द्वारिखाल जाते हैं अपने शॉप पे। और हमने भी अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे गाड़ी कर रखी है पापा भी गाड़ी ला रहे हैं। और अब मौसम देखो फिर से धुंध हो गई जैसे कल थी पूरे रास्ते में धुंध थी वैसे अभी फिर से हो गई तो आज फिर से गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। ये सारे ही तिमले के लग रहे हैं मुझे। ये भी ये तो भीमल है भीमल। ये भी तिमला लग रहा। अभी ये कहाँ है इसमें बीज दिख रहे हैं तेरे को? वो नहीं बीज तो जरूरी थोड़ी है हर पेड़ में बीज हो ही हो। पता नहीं दिख रहा तो कितना चौड़ा है। हाँ इसका छोटा है। तो ये कौन सा है? भीमल है भीमल। अच्छा ये भी भीमल है जिसके वो बनाते हैं फिर इसके जो पहले तो पत्ते खिला देते हैं इसके गाय को उसके बाद जो इसकी लकड़ी बचती है उसके क्याड़ बनाते हैं। अच्छा वो आग जलाने के शुरू में जब आग जलाते हैं तो सबसे पहले एक क्याड़ में फट से आग लग जाती है ना मैं इसको जलाया फिर उसके बाद लकड़ियों में आग लगा देते हैं।